एवरीवन वेलकम टू वजीर एक्स। मैं बदुल बंसल एंड आई होप आपने मुझे देखा हुआ है हमारी वीडियोस में, सीईओ ऑफ फिनस्ट्रेट। सो आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर फॉर लास्ट 8 इयर्स एंड आई एम ट्रेडिंग रेगुलरली सिंस 2014। सो मैं आपको ये बता रहा था कि इस वीडियोस में हम बात करेंगे कि आपको टेक्निकल एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल एनालिसिस क्यों आना चाहिए एंड व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। सिंस हमने देखा है कि जो क्रिप्टो है वो एक नया एसेट है और वहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं और सिंस ये मार्केट 24/7 है तो यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आते हैं। तो जो भी नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये जो एसेट क्लास है वो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा रिलेवेंट है क्योंकि वो यहाँ पर नई चीज़ें सीख सकते हैं, नए एसेट्स के बारे में सीख सकते हैं और वो 24/7 ट्रेड कर सकते हैं और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज कर सकते हैं। एंड सिंस ये हाई बीटा मार्केट है यानी कि यहाँ पर फ्लक्चुएशंस जो है वो बहुत ज़्यादा है तो आप इन फ्लक्चुएशंस को यूज़ कर सकते हैं अपने डिस्पोजल के लिए एंड आप उससे जो है कुछ बढ़िया रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस है क्या, राइट? सो टेक्निकल एनालिसिस वो चीज़ है जहाँ पर आप मार्केट के मूवमेंट को स्टडी करते हो और आप ये समझने की कोशिश करते हो कि मार्केट जो है वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखेंगे कि जो मार्केट है वो हर चीज़ को डिस्काउंट करती है और हिस्ट्री में जो जो हुआ है वो सिमिलरली होगा। टेक्निकल एनालिसिस को फिलोसफिकल लेवल के पे समझने के लिए ये समझिए कि सबसे पहले होता क्या है कि आप मानिए अगर किसी एसेट में ट्रेड कर रहे हैं, मान लिया हम वजीर एक्स टोकन में ट्रेड कर रहे हैं तो वजीर एक्स टोकन के एक कुछ ट्रेडर्स या होल्डर्स रहेंगे। तो मान लीजिए अगर मैं एक होल्डर हूँ वजीर एक्स टोकन का जो काफ़ी टाइम से होल्ड करके बैठा हूँ तो मान लीजिए मैं वजीर एक्स को बेचता हूँ जब भी वो 150 तक जाता है, 160 तक जाता है या 200 तक जाता है, वो मेरा मार्क कुछ भी हो सकता है, राइट? अब मैं हमेशा उसे तभी बेचूंगा जब वो 150 पे जाएगा क्योंकि मेरी एवरेज बाइंग ही 50 रुपीज थी। तो ये अब मेरा ट्रेडिंग एनालिसिस है। ऐसा सब कुछ बहुत सारे मेरे जैसे ट्रेडर्स होंगे जो वजीर एक्स पर रेगुलरली ट्रेड करते होंगे और कुछ ऐसी वेव्स होंगी या कुछ ऐसे बड़े होल्डर होंगे जो वजीर एक्स के प्राइस एक्शन को एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ट्रिगर करते हैं। तो आपको देखना है कि वो कब कब ट्रिगर करते हैं। तो हर एक एसेट की जो हिस्ट्री होती है वो उसके फ्यूचर के इम्प्लीकेशंस को बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। तो अगर ऐसे कुछ एसेट्स हो सकते हैं जिन्हें लोग ज़्यादा होल्ड नहीं करते, जो मतलब जिनके ऊपर ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती हैं, तो उन एसेट्स में क्या दिक्कत होती है कि उनके जो अभी होल्डर्स नहीं बने हैं, उनकी कम्युनिटी नहीं बनी है, तो उन एसेट्स में क्या होता है कि हमें जल्दी ही राइज और जल्दी ही डंप दिखता है। तो आपको वो भी एसेट्स देखने हो सकते हैं। तो आपको बेसिकली जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आपको बिहेवियर बताएगा कि इसके ट्रेडर्स और जो होल्डर्स हैं उनका बिहेवियर कैसा सा है। तो हमें उससे हम टेक्निकल एनालिसिस के अपने टूल्स बना सकते हैं और हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि जो इसके सारे होल्डर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही और ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं आया है और वो एक ही तरह के प्राइस एक्शंस को ट्रिगर करेंगे या एक ही तरह के एक्शंस करेंगे। इसीलिए हम मानते हैं कि हिस्ट्री रिपीट होगी और हम हिस्ट्री से जो उसके फ्यूचर के इवेंट्स हैं उनको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। और तो इसी कारण से क्या रहता है कि फंडामेंटल एनालिसिस में अब आपको ये पता चल सकता है कि यू नो व्हाट टू बाय एंड वेदर इट्स अ गुड प्रोडक्ट और नॉट। सिंस हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए अगर हम इस वीडियो में सिंस हम वीडियो के लिए जो एग्जांपल ले रहे हैं वो वजीर एक्स टोकन की ही ले रहे हैं मोस्टली, तो वजीर एक्स टोकन के लिए हम ये मान रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छा टोकन है और इसकी एक्सचेंज जो है इंडिया के सबसे ट्रस्टेड एक्सचेंज है मान लीजिए। तो अब ये तो हो गया इसका फंडामेंटल एनालिसिस कि हमें वजीर एक्स टोकन लेना चाहिए, पर उसे किस प्राइस पॉइंट पे लेना चाहिए एंड अगर आपको सेल करना है तो किस प्राइस पॉइंट पे सेल करना चाहिए वो आपको टेक्निकल एनालिसिस बताएगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस जनरली ज़्यादा एफिशिएंट रहता है उस केस में जिस केस में आपको ये देखना है कि आपको क्या चीज़ लेनी है और उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी है कम्प्लीटली एसेट की। सो इंट्रेंसिक वैल्यू पे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये एसेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वंस इट्स अ गुड बाय फॉर यू एंड योर पोर्टफोलियो, या आपके इन्वेस्टिंग स्टाइल के साथ जाता है। सो एंट्री के लिए आपको एक अच्छा प्राइस पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए एंट्री पॉइंट अच्छा होना चाहिए। तो जो टेक्निकल एनालिसिस आपको वहाँ पर हेल्प करेगा कि आपको वो अच्छे ऐसे एंट्री या फिर आपके एग्जिट पॉइंट्स बताएगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि जो फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपको एक एसेट को अगर आप एक लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप स्पॉट ट्रेडिंग भी करते हैं तो आपको कब उसे लॉन्ग करना है कब शॉर्ट करना है। लॉन्ग करने का मतलब क्या है कि आप पहले बाय करते हैं जब वो ऊपर चला जाता है तो आप उसे सेल कर देते हैं। शॉर्ट करने का बिल्कुल द अदर वे अराउंड, जहाँ पे आप पहले सेल करते हैं और उसे जब वो नीचे चला जाएगा तब आप उसे बाय कर लेंगे। तो अगर वो ऊपर जाने वाला है तो आप लॉन्ग करेंगे, नीचे जाने वाला एसेट तो आप उसे शॉर्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है आपको
टेक्निकल एनालिसिस एक रूप से बताता है। तो टेक्निकल एनालिसिस के हमारे टेक अवे क्या होंगे, टेक अवेज होंगे हमारे कि हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हिस्ट्री, हम ये अजम्पशन लेकर चलते हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, और इसके जो जो इसका प्राइस मूवमेंट है वो इसके होल्डर्स और ट्रेडर्स करेंगे, जो कि एक ही तरह के और एक ही साइकोलॉजी में है। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और इसमें हम लोग चार प्राइमरीली अजम्पशन लेते हैं, जहाँ पर हमारी पहली अजम्पशन है मार्केट फोर्सेस, जहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि किसी भी एसेट का जो मार्केट प्राइस है वो सप्लाई और डिमांड ही करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर को नहीं कंसिडरेशन में लेते। तो एक्सटर्नल फैक्टर कैसा हो सकता है कि क्रिप्टो के केस में कभी रेगुलेशन की प्रॉब्लम आ गई या कुछ आ गई, तो उसमें सप्लाई और डिमांड की गेम नहीं रहती, जनरली रेगुलेशन की गेम रहती है कि एक्सचेंजेस सर्विस नहीं दे पाएंगे या बैंकिंग सर्विसेज में प्रॉब्लम होगी, तो तब ये वाली सारी प्रॉब्लम आती है। बट अदरवाइज जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हम मानते हैं कि मार्केट फोर्सेज में सिर्फ और सिर्फ सप्लाई डिमांड ही फाइनल प्राइस को डिटरमिन कर रहे हैं और कोई भी सेकंड फैक्टर नहीं है। सेकंडली हम मानते हैं कि जो प्राइस चेंजेस हैं वो पीरियोडिक है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक ही पर्टिकुलर तरह के प्राइस चेंज होते हैं और मार्केट उतनी तेजी से इवॉल्व नहीं हो रही, मार्केट एक पीरियोडिक नेचर से चल रही है। तो यहां पर हम जो प्राइस चेंजेस की बात करेंगे वहां पर हम बात करेंगे कि वो पीरियोडिक प्राइस चेंजेस है। तो ये बेसिक लेवल पे समझना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए अगर कोई एसेट एक्सपोनेंशियली हाई जा रहा है, तो आपको कई बार क्या होता है कि उस एसेट को INR या फियाट के टर्म्स में ना देख करके BTC के टर्म में देखना होता है। क्यों? क्योंकि BTC मैक्रो स्केल पे अगर मैं देखूं, अगर मैं 4 ईयर टाइमलाइन पे देखूं, तो पिछले 4-12 सालों से बढ़ ही रहा है, राइट? तो BTC तो एक हाइपर ग्रोइंग एसेट हो गया। अब उसके ऊपर हमारे ऑल्ट कॉइन हैं जो कभी बढ़ जाएंगे BTC के टर्म में, जिसे हम ऑल्ट सीजन बोलते हैं, कभी गिर जाएंगे, राइट? जिसे हम कॉन्टिन्यूशन या फिर एक्यूमुलेशन जोन बोलते हैं। तो इसमें होगा क्या कि आपको ये देखना होगा कि हम लोग यहाँ पर अज्यूम क्या कर रहे हैं कि मार्केट जो है पीरियोडिक है, पर अभी जो हमारी क्रिप्टो की मार्केट है वो कैसे चल रही है कि अभी BTC का प्राइस ऑलमोस्ट हर बार नया हाई बनाकर आता है। तो कई बार आपको एसेट्स को इसीलिए इन टर्म्स ऑफ BTC देखना पड़ जाता है कि उनका BTC पेयर हम लोग स्टडी करते हैं। उसका भी रीजन यही है क्योंकि ताकि हमारी ये वाली अजम्पशन सही रहे। देखिए, जब भी आपका टेक्निकल एनालिसिस फेल होगा ना, वो तभी फेल होगा जब इनमें से कोई एक अजम्पशन गलत हो जाएगी। तो हमें ये अजम्पशन समझनी बहुत जरूरी है, तो अदरवाइज टेक्निकल एनालिसिस की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। मेरे पिछले 8 सालों में ऑलमोस्ट मैंने हर एक क्वार्टर को पॉजिटिव पे ही जो है वो क्लोज किया। उसका रीजन यही था कि मैंने टेक्निकल एनालिसिस को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ अपने एंट्रीज एंड एग्जिट्स के लिए, पर रादर मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ किस एसेट में जाना है और किस एसेट में नहीं जाना। यहाँ पर जब आप एक बार ये अजम्पशन समझ लेंगे कि ये कौन कौन से अजम्पशन हैं, तो जैसे फिजिक्स में हमारे साथ होता था कि अगर कोई अजम्पशन गलत हो जाती थी तो पूरी थ्योरम गलत हो जाती थी, टेक्निकल एनालिसिस में भी यही है कि अगर इन चारों में से कोई एक अजम्पशन नहीं लगेगी तो टेक्निकल एनालिसिस वहां पर काम नहीं करेगा। तो पहली आगे मार्केट फोर्सेस, दूसरी आगे प्राइस चेंजेस, जहां पर हम मान रहे हैं कि प्राइजेस जो है वो पीरियोडिक है। तीसरी है पैटर्न्स एंड ट्रेंड आर रिपीटेड। अब यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि जो भी पैटर्न्स या ट्रेंड जो हम आगे जाके इस पूरी सीरीज में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो पीरियोडिक नेचर के हैं, यानी कि वो बार बार से जो है वो रिपीट होते रहते हैं और वो सिमिलर वे में चलते हैं। तो वो हम ये मानेंगे कि अगर मानिए कि अगर जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो सबसे बड़ा, आपने इसको काफ़ी बार सुना भी होगा, या गोल्डन क्रॉस है, तो ऐसे ऐसे जो पैटर्न्स हैं वो रिपीट होते हैं और बार बार उनसे जो इंक्रीज होता रहता है, और जो सिमिलर पैटर्न हैं वो सिमिलर रिजल्ट्स लेकर आते हैं। तो हम ये भी एक अजम्पशन मान रहे हैं। सेकेंडली मार्केट साइकोलॉजी। तो हम लोग ये मानते हैं कि मार्केट रैशनल नहीं है। इसको मत समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग क्या जनरली सोचते हैं कि अरे ये तो एसेट काफ़ी ज़्यादा बुरा है तो इसको तो ऊपर चढ़ने नहीं दिया जाता, जैसे बहुत सारे मीम कॉइन्स हैं या बहुत सारी वो चीज़ें जिनकी इंट्रेंसिक वैल्यू काफ़ी लोग मानते हैं कि नहीं है, राइट? बट वो कहते हैं कि रैशनली ये इतना प्राइस नहीं होना चाहिए। या फिर जैसे कई बार कई क्या होता है कि कई बार कोई बहुत अच्छे एसेट का प्राइस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, तो लोग कहते हैं कि शायद ये एसेट खत्म होने वाला है। एसेट अच्छा था, टोकन अच्छा था, काम अच्छा कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट ग्रो कर रहा है, पर अब प्राइस इंस नीचे है तो हो सकता है ये प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट कभी रैशनल नहीं होती, मार्केट इरैशनल होती है, यानी कि मार्केट में इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मार्केट जनरली इमोशंस पे चलती है और इमोशंस ही प्राइस मूवमेंट्स करते हैं। तो हो कह सकता है कि किसी एसेट की इंट्रेंसिक वैल्यू अगर एक्स है तो वो आपको 4x पे भी मिल रहा होगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट अभी यूफोरिक हो रखी है, यानी कि मार्केट बहुत खुश हो रखी है, राइट? और वही एसेट आपको जिसका प्राइस x है वो x/4 पे भी मिलेगा
जब मार्केट में फियर है बहुत ज्यादा और लोग डरे हुए हैं, तो आपको ये वाले सारे पैरामीटर्स को देखना है व्हेन यू आर चार्टिंग फॉर क्रिप्टो, कि मार्केट में और क्रिप्टो तो स्पेसिफिकली बिकॉज एक नया एसेट और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हमेशा मार्केट्स रैशनली बिहेव नहीं करेंगी और मार्केट्स हमेशा जो है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं, और क्योंकि एक इमोशन अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो गए तो उसे ओवर प्राइस या अंडर प्राइस कर सकते हैं एसेट को। तो ये तो आ गया बेसिक कि हमें टेक्निकल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या करता है और हम क्या एजम्पशंस लेते हैं जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से काम करता है। तो ये हमारा, मैंने वजीरएक्स की साइट खोली और यहाँ पर मैंने एक्सचेंज में जा करके हमारा वजीरएक्स का इस टू INR का पेयर खोला हुआ है। तो ये आपको इस तरह से कुछ दिख रहा होगा यहाँ पर, जो हमारा बेसिक चार्ट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि चार्ट है जिसको हम स्टडी करना यहाँ पर सीखेंगे और यहाँ पर समझेंगे। तो ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको प्राइसेस बता रहा है किसी भी एक दिन के वो क्या क्या रहते हैं। तो अब इन कैंडलस्टिक्स का मतलब क्या है, इनको जापानीज कैंडलस्टिक्स बोलते हैं और इनका मतलब क्या है हम इनको समझने की भी कोशिश करते हैं कि ये कैंडलस्टिक्स का मतलब क्या है और ये क्या सिग्निफाई करती हैं। तो स्किप करेंगे हम, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर आपकी दो तरह की कैंडलस्टिक्स होंगी, एक होंगी बुलिश कैंडलस्टिक्स जिसे ग्रीन या फिर व्हाइट कलर से भी सिग्निफाई किया जाएगा, और एक होती है बेरिश कैंडलस्टिक्स जिसे ब्लैक या रेड से भी जो है सिग्निफाई किया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है यू नो ऑल एंड ऑल और पूरा अप एंड डाउन अगर आप देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे आपको चार चीजें बताती है ये कैंडल। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो अगर एक बार के लिए सिमिलर सी कैंडल्स हैं और ये सारी कैंडल्स आपको एक तरह से चार चीजें ही दिखाएंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी एक टॉप विक होती है जो ये वाली विक होगी, ये इसको हम बॉडी बोलते हैं और इसको हम बॉटम विक बोलते हैं। तो तीन पैरामीटर हैं इसमें कि ये वाली टॉप विक और यहाँ पे आ जाएगा ये, मान लीजिए यहाँ पे इसकी टॉप विक, ये इसकी बॉडी जो कलर्ड है, और यहाँ पे एक छोटी सी आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक बॉटम विक भी आ रही है। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पर जो अगर वो कैंडल ग्रीन है या वाइट है तो जो उसका बॉटम बॉडी का बॉटम है जो ये वाला पार्ट है जहां पर उसकी बॉडी खत्म हो रही है, ये प्राइस पे किसी ना किसी पे खत्म हो रही होगी, जैसे ये वाली बॉडी इसकी खत्म हो रही है 106.85 या 54 जो व्हाट्स एवर इट इज। तो यहां पर आपको ये पता चल रहा है कि ये इसकी बॉडी का बॉटम है। तो यहां पर वो प्राइस खुला हुआ था जब भी वो जिस टाइम पे थी वो अपने उस जैसे कैंडलस्टिक्स में, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये है वन डे की कैंडल, तो वो इस एक दिन के अंदर अंदर हाईएस्ट गया इस पॉइंट तक जो कि है 115। तो हाईएस्ट हाई पॉइंट कौन सा था, जो विक का इसका कैंडलस्टिक का सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वो हाईएस्ट पॉइंट तक यहाँ पर गया, लोएस्ट पॉइंट यहाँ तक आया जो विक का बॉटम है, और क्लोज यानी कि वो क्लोज कहाँ पर हुआ, वो बंद हो गया। तो अगर ओपन पॉइंट ऊपर होगा और क्लोज नीचे होगा तो कैंडलस्टिक क्या बन जाएगी, रेड के। वो खुला ज्यादा पे 104 पे सुबह था और रात तक होते होते वो 102 पे था, तो ये बेरिश सिंगल है तो ये इसलिए बेरिश कैंडल बनेगी। वहीं पर अगर वो 102 पे खुला और 104 पे बंद हुआ तो ये एक बुलिश साइन है, तो एक ग्रीन कैंडल बनेगी, बुलिश साइन बनेगी, लाइक वेरी सिंपल। तो जो उसका क्लोजिंग पॉइंट होगा वो, अगर तो ग्रीन कैंडल है तो ऊपर वाला क्लोजिंग नीचे वाला ओपन, अगर रेड कैंडल है तो ऊपर वाला ओपन नीचे वाला क्लोजिंग। तो अब सिंपल सी बात मानिए ना कि इसको ऐसे समझते हैं कि किसी भी एक कैंडल में चार पॉइंट्स है कि वो हाईएस्ट उस टाइम फ्रेम में वो हाईएस्ट उसने क्या पॉइंट टच किया, लोएस्ट क्या पॉइंट टच किया, वो ओपन कहाँ हुआ और वो क्लोज कहाँ हुआ। तो ये चार पॉइंट्स हैं। अगर वो रेड है, बेरिश कैंडल है, तो उसका मतलब क्या है कि वो ओपन ज्यादा पे हुआ और क्लोज कम पे हुआ। अगर वो बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, तो वो ओपन कम पे हुआ और क्लोज ज्यादा पे हुआ, तो वो तब वो बुलिश कैंडल होगी। तो यहाँ पे हम एक बार इसको रियल में भी देखते हैं, ये आपको देख सो जहां से आप इसे फुल स्क्रीन जा सकते हैं, जूम इन जूम आउट आप सिंपली अपने की पैड से या माउस से इसको कर सकते हैं काफी इजीली। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाली कैंडल स्टिक यहाँ पर कहीं 106.54 पर ये बंद हुई, खुली कहाँ पर होगी, 109 पर खुली होगी। टॉप उसने क्या टच किया, यहाँ पर टॉप टच किया उसने तकरीबन ये रहा, टॉप टच किया उसने 10 1015 के आसपास, बॉटम क्या टच किया उसने 104 के आसपास। तो ये हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम देख सकते हैं। मुझे कैसे पता कि वो खुला ऊपर होगा और बंद नीचे होगा, बिकॉज ये एक रेड कैंडल है, तो एक बेरिश कैंडल है।
उसी में अगर आप ये देखें, ये एक बुलिश कैंडल है, क्यों? क्योंकि ये ग्रीन है तो वो खुला नीचे होगा, तो उसका ओपनिंग प्राइस कितना था? 103.99, 104। नीचे विक बहुत ही छोटी सी विक है, तो 103.44, मतलब ऑलमोस्ट 50 सेंट्स की ये नीचे वाली विक है। और ऊपर बीच में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा टच किया उसने? 112.66। और क्लोजिंग कहाँ पे? सिंस अब ये ग्रीन कैंडल है तो इसकी क्लोजिंग ऊपर हुई होगी, तो वो है 110.2, मतलब 110.2। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप एक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर आपको इससे आप कैंडलस्टिक्स को स्टडी कर सकते हैं। दूसरा बहुत ही सिंपलिस्टिक लाइन चार्ट्स होते हैं, यहाँ पर जब कैंडलस्टिक्स आप करेंगे तो आप इसमें टाइम फ्रेम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये कैंडल अब एक दिन को दर्शाती है। तो इसमें टाइम फ्रेम क्या होता है कि जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा, तो मान लीजिए अगर मैं इसे 15 मिनट कर दूँ तो ये 15 मिनट का मतलब 15, तो ये हर एक कैंडल 15 मिनट बताएगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, 5:15 से लेके 5:30 तक, ये 5:30 से लेके 5:45 तक, ये वाली कैंडल 5:45 से अब जो चल रही है 6 o'clock, तो ये 15-15 मिनट की कैंडल होगी। अगर मैं हाफ एन आवर की कैंडल्स कर दूँ तो वो इसी तरह से आ जाएगा कि ये 5 to 5:30, अभी जो कैंडल चल रही है 5:30 to 6, ये वाली कैंडल 6:30 to 5, तो ये आधे आधे घंटे की एक कैंडल के आधे घंटे में जब वो शुरू हुआ आधा घंटा तब प्राइस कहाँ था, जब वो आधा घंटा खत्म हुआ तब प्राइस कहाँ था, उस आधे घंटे के अंदर अंदर उसने हाईएस्ट कौन सा पॉइंट टच किया और उसी आधे घंटे के अंदर अंदर उसने लोएस्ट कौन सा टच किया। तो ये किसी भी टाइम फ्रेम पे ये चार इनपुट हमें देगा। तो हम ये आप यहाँ पे देखते हैं 1 मिनट में देख सकते हैं इसे, 5 मिनट्स में देख सकते हैं, 15 मिनट्स में देख सकते हैं, 30 मिनट में, 1 आवर में, 2 आवर में, 4 आवर, 6 आवर, 12 आवर, 1 डे और 1 वीक। तो ये वाले सारे आपके पास टाइम फ्रेम अवेलेबल हैं किसी भी एसेट को देखने। तो आप किसी भी एक टाइम फ्रेम के ऊपर ये देख सकते हैं कि हमारे ये चार पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। नीचे जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वो आपको दिख रहे हैं वॉल्यूम्स, कि वॉल्यूम्स किस तरह से जो है वो ऊपर या नीचे हो रहे हैं, इसको भी हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे। और आप यहाँ पर और फंक्शंस भी ऐड कर सकते हैं, उसको भी हम जा करके डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप किसी भी कैंडल स्टिक पर जाते हैं तो आपको उसके चारों पैरामीटर जो है यहाँ पर ऊपर भी लिखे हुए मिलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लियरली लिखा होता है कि हाई पॉइंट क्या था, लो पॉइंट क्या था। तो आप ये देखेंगे कि अगर ये ग्रीन है, अगर मैं रेड कर दूंगा इसे, तो इसका जो हाई होगा वो कम होगा और लो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर कोई ग्रीन कैंडल है तो उसमें क्या है कि हाई पॉइंट 115 है, लो पॉइंट 102 है, क्लोजिंग जो थी वो 106.52 है। तो यहाँ पर आपके पास ये सारे पैरामीटर्स जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ओपनिंग प्राइस भी साथ में दिख रहा है, तो ओपनिंग प्राइस आपका यहाँ पे क्या है कि 102.16 है। तो आप यहाँ पे चारों चीजें देखते हैं, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। तो आपको चार किसी भी आप कैंडलस्टिक पे जाएंगे तो वो आपको दिख जाएंगे। साथ में ये आपको परसेंटेज भी शो कर रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ है। तो आप अलग अलग ये चीजों को देख सकते हैं इन कैंडलस्टिक से। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं जो चार चीजें आप देख सकते हैं, प्लस यहाँ पर आप वॉल्यूम्स वगैरह भी जो अलग अलग हैं वो देख सकते हैं ऊपर के वॉल्यूम क्या है, हाई है। तो ये एक बेसिक इंटरफेस है जो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई और पेयर चाहिए, मैंने WRX INR पेयर किया हुआ है, यहाँ पे अगर आपको BTC का पेयर चाहिए तो BTC INR पेयर भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास बेसिक कुछ पैरामीटर है जो आपको पता होना चाहिए। सिंस मैं आपको बता रहा था कि आपको कई बार किसी और एक्सपोनेंशियल एसेट के अगेंस्ट भी देखना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हमने तो यहाँ पर एजम्पशन ली थी कि प्राइस चेंजेस जो है वो हमें एग्जिबिट करता है कि मार्केट एज अ होल और मार्केट पीरियोडिक है। सिंस क्रिप्टो मार्केट पीरियोडिक नहीं है तो हम उसे कई बार अगेंस्ट BTC भी देख लेते हैं। तो BTC के अगेंस्ट अगर मैं कोई पेयर देखूं तो मैं WRX का पेयर देख लेता हूं। तो ये जो आपका पेयर है, ये मैंने 1 डे पेयर खोला है, तो ये मैंने आपका खोला है BTC के अगेंस्ट। अब ये ज्यादा स्टेबलाइज आपको दिखने की कोशिश करेगा और ज्यादा पीरियोडिक साउंड करेगा। तो कई बार हम लोग इसे अगेंस्ट INR या USDT किसी भी फियाट पेयर के अगेंस्ट देख लेते हैं, कई बार हम इसे एक एक्सपोनेंशियल एसेट के अगेंस्ट ही मार्क करते हैं या उसी के अगेंस्ट इसकी चार्टिंग करते हैं ताकि हम उसकी पीरियोडिक नेचर को थोड़ा कम कर सकें और एक एक्सपोनेंशियल एसेट को एज अ बेस करेंसी मान सकें। तो आपके पास ये भी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आती है। तो ये बेसिक आउटलुक था कि आपको क्या क्या टूल्स चाहिए और आपको क्या क्या पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा और टेक्निकल होते जाएंगे और ज्यादा एक्सप्लेनेटरी मोड में जाते जाएंगे। तो आई वांट टू स्टार्ट रियली स्लो, दैट्स व्हाई मैंने आज आपको सारी इंट्रो बताई कि व्हाई टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं और आप जो हमारा इंटरफेस है WZX का वो आप किस तरह से चला सकते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के लिए। थैंक यू गाइस।